बोइंग कंपनी की एग्जीबिशन है ये अपनी, इन्होंने बिजनेस क्लास सीट जो है इनका बोइंग 737 एयरक्राफ्ट आई थिंक उसका डिस्प्ले किया। हाय, इनका बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है ये उसका जो है कैबिन क्रू रेस्ट एरिया है वो डिस्प्ले पे लगाया इन्होंने। ये बोइंग की जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट की डिस्प्ले, हेलीकॉप्टर है इसमें और ये फाइटर जेट। इंटरनेशनल गोल्डन ग्रुप है, इनके मिलिट्री व्हीकल्स भी हैं और यहाँ पे मिलिट्री एयरक्राफ्ट ये ड्रोन वगैरह ये डिस्प्ले किए हुए हैं। इनका कोई अपकमिंग मॉडर्न एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसका डिस्प्ले किया इंटीरियर का इन्होंने, फ्यूचर ऑफ एविएशन। एज यू कैन सी ये इंडिया की एग्जीबिशन है और इन्होंने भी अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिस्प्ले भी किए हुए हैं। हेलीकॉप्टर है और राफेल एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट आई थिंक रशियन कंपनी है। रहा था हमारे मुल्क का पाकिस्तान की जो एग्जीबिशन है वो यहाँ पे है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स। ये GF-17 थंडर ये जो है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है। आप साइज चेक करें इस ड्रोन का, हेलीकॉप्टर डिजाइन जैसा ड्रोन है ये, बहुत बड़ा ये वाला ड्रोन है। एयरफोर्स का GF-17 थंडर है, ब्लॉक 3 है, ये लेटेस्ट जो है इनका वर्जन है, लेटेस्ट मॉडल और टोटली ये जो है मेड इन पाकिस्तान है और कुछ जो है इनमें जो चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर मेड इन पाकिस्तान। इसका ये इससे पुराना वर्जन है बोइंग 777-300ER और ये वाला बोइंग 777X है, रियली में बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत बड़ा है। लॉन्च कस्टमर्स जो हैं जिन्होंने ऑर्डर कर चुके हैं लार्ज क्वांटिटी में, ये उनके फ्लैग है, ब्रिटिश एयरवेज है इसमें, एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, लफ्तांज़ा, कतर और सिंगापुर। यार बोइंग 777 जो है वो ऑलरेडी इतना बड़ा एयरक्राफ्ट था लेकिन इसके पास आके तो बता नहीं सकता कि कितना बड़ा जहाज है। आप शायद लेंस में जो है कैमरा में वीडियो में अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि हाउ बिग इज़ द इंजन।
और जो इसके विंग्स हैं, अभी ये देखें विंग्स जो हैं ये फोल्ड करना पड़ा करेंगे क्योंकि विंग्स जो हैं ये काफ़ी लंबे हैं, तो जब जहाज़ एयरपोर्ट पे जब ये चला करेगा तब जो है इसके विंग्स को फोल्ड कर दिया जाएगा जिस तरह इस वक्त है, ताकि टकराए ना। और जब ये टेक ऑफ करेगा इसके जो विंग्स को अनफोल्ड कर देते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है इससे जो है जहाज की परफॉर्मेंस जो और ज़्यादा एफिशिएंट होती है, जो फ्यूल है ना वो जहाज़ कम इस्तेमाल करता है। ये एरोडायनेमिक्स जो पढ़ते हैं उनको बेहतर पता है इस चीज़ का, फिजिक्स और एरोडायनेमिक्स। एमिरेट्स की गेम चेंजर बिजनेस क्लास है, तो ये भी फ्यूचर में जो है इनके बाकी जितने भी जहाज़ हैं एयरक्राफ्ट हैं उन सब में ये वाली इंस्टॉल होगी। इसके साथ नई लेदर सीट्स हैं, मिनी बार। हेलो, हाय, कितना बड़ा ये जहाज है, लेंथ वाइज भी इसकी एयरक्राफ्ट की लेंथ की लेंथ है बहुत कम।
है सलाम एयर का कार्गो एयरक्राफ्ट एयरबस A321। आई थिंक इन्होंने सलाम एयर ने कार्गो सर्विसेज भी शुरू की, सो उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट इधर। इसमें सारा बारूद भरते हैं वेपन्स। वही पुलिस का हेलीकॉप्टर है। इमरजेंसी हेलीकॉप्टर है इनका। लैम्बोर्गिनी यूरस। वही पुलिस की लैम्बोर्गिनी। एयरफोर्स वाले अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, जहाज के ऊपर चढ़ के गाने गाए जा रहे
इस तरह से होता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट अंदर से। F-16 US Air Force। बटन प्रेस करेंगे तो इसका मिनी बार जो है ओपन हो जाएगा। ये इसका मिनी टैबलेट है, ये बड़ी स्क्रीन मिलती है, ये मिरर है इसका। ये शावर है एमिरेट्स A380 पे। ये एमिरेट्स की प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है, ये सिर्फ अभी तक A380 पे इंस्टॉल हुई है। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स जो हैं USA, नॉर्थ अमेरिका और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे दी जाती है, ये उस पर ऑफर की जाती है। और बैक पे इसके नॉर्मल इकोनॉमी। दुबई एयर शो जो है ऑलमोस्ट हर 2 साल बाद होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी जो है नेक्स्ट टाइम जब भी हो आप भैया शो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी मोबाइल की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, अभी फिर ऑटोमेटिकली कैसे स्टार्ट होगा मुझे नहीं पता। कुछ क्राफ्ट की वीडियो बनाना भूल गया, मतलब बना नहीं सका इसी की वजह से बैटरी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।